खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 75 सालों के बाद कुंभ राशि में 3 ग्रहों का आपस में मिलन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 75 सालों के बाद कुंभ राशि में शनिदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव तीनों का ही आपस में मिलन होने जा रहा है। और फरवरी महीने में 75 सालों के बाद एक ऐसा महासंयोग बना है जिससे 4 राशियों पर भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 4 राशि वाले लोगों के जीवन में शनिदेव की कृपा से बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अचानक से धन का आगमन होगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी 75 सालों के बाद 4 राशि वाले लोगों की अब मिटने वाली है। शनिदेव की कृपा और विशेष आशीर्वाद से जो 3 ग्रहों का मिलन हो रहा है ना, इससे आपका भाग्य उदय होगा। सोई हुई किस्मत एकदम से जाग जाएगी। कर्ज से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में तरक्की होगी। व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 3 बड़े ग्रहों के आपस में मिलन से ही बदल रही है। षडाष्टक राजयोग के प्रभाव से 4 राशियों का भाग्य एकदम से चमकने वाला है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, और इन 9 ग्रहों में से शनिदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव का विशेष रूप से स्थान माना जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली या राशि में शुक्र मजबूत होते हैं, तो उस व्यक्ति को धन दौलत के साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन का सुख का समय शुरू होने लगता है। शनिदेव और शुक्रदेव के बीच मित्रता का भाव है। और साथ ही 75 सालों के बाद कुंभ राशि में 3 बड़े ग्रह जिसमें मंगलदेव, शुक्रदेव और शनिदेव का मिलन होने जा रहा है। जहां शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में शनिदेव के 7.5 भी चल रही है। ऐसे में 3 बड़े ग्रहों का आपस में मिलन होना ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में सबसे बड़ा महागोचर माना जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मंगल, शुक्र और शनिदेव के मिलन से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि सुमन, शारदा, शंकर, सुरेश, सोमनाथ, सुरेंद्र, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से एस या जी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है, जो कि अभी आप ही की राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में पूरे 75 सालों के बाद जैसे ही कुंभ राशि में 3 ग्रहों का मिलन होगा, शुक्र मंगल और शनिदेव की युति जो है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो। आपका आत्मविश्वास जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके प्रमोशन के योग होंगे। लंबे समय से आपका जो भी रुका हुआ कामकाज है या कोई भी आपका अटका हुआ काम है, वो अब पूर्ण होगा। नौकरी कारोबार दोनों में ही आपको मुनाफा प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में शनिदेव और शुक्रदेव के आशीर्वाद से आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। जो भी कुंभ राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, अब वो तलाश पूर्ण होगी। अनुकूल जगह पर आपको जीवन साथी की प्राप्ति रहेगी। साल 2024 100% आपका विवाह का कारक बनेगा। शनिदेव 7वें भाव में होने के कारण कुंभ राशि वाले लोगों का इसी साल विवाह का सुख प्राप्त होगा। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आज से लेकर अगले 3 सालों के दौरान आपकी गिनती करोड़पति में होने लगेगी। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आपको अचानक से धन का लाभ मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर किसी भी व्यक्ति की 7.5 चल रही होती है और 7.5 अगर उसको फलित हो जाती है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, और वहीं अगर 7.5 नुकसानदायक होती है तो राजा से भी भिखारी बन जाता है। इस बार शुक्रदेव के साथ युति बनाकर कुंभ राशि वाले लोगों को 7.5 से 4 चांद लगने वाली है। यह समय आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। लंबे समय से अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है तो आपकी तनख्वाह में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो आपके बॉस है, वो आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। चारों तरफ से आप ही की चर्चा होगी। उसके अलावा अगर कुंभ राशि वाले बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या विद्यार्थी है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, उनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
फरवरी से लेकर अगले 90 दिनों तक यानी कि 3 महीनों के दौरान सरकारी नौकरी से जुड़ी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और साथ ही प्राइवेट में भी अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहीं से आपको सफलता के योग भी बनेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी छोटा मोटा कामकाज करते हैं, व्यापार में आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसी साल 2024 में आप कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदारी कर पाएंगे और साथ ही घर में सुख संपत्ति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण या महंगी वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार होगा और अगर आप किसी भी कोर्ट केस से परेशान चल रहे हैं, कोई भी आपका वाद विवाद चल रहा है, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो या किसी भी रूप में आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है ना, तो अगले 90 दिनों के दौरान उसमें भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उस मुकदमे में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए और साढ़े साथी से राहत पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और साथ ही अपने हाथ की जो सबसे बड़ी अंगुली है, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, उसमें लोहे की अंगूठी जरूर धारण करें। चलिए जान लेते हैं 3 ग्रहों के मिलन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, जीवन भर कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता, यानी कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते। मित्रों, ये किस्मत का यानी कि आपके ग्रहों का कुंडली का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार आप किसके लिए बने हैं? किसमें आपको ज्यादा सफलता ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? आपके लिए कौन सा व्यापार सही रहेगा जिसमें आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी? कौन सा रत्न पहनना आपके लिए लाभदायक है और उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा आ जाती है कि वो रिश्ता हो नहीं पाता है, अटक जाता है। व्यापार में आपको धन का नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार में तरक्की नहीं मिलती, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है या कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, या आपका कोई भी पितृ दोष चल रहा है, आपका स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं त्रिग्रही संयोग मंगल शनि और शुक्र के मिलन से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि में भी भगवान शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है, ऐसे में आप लोगों के लिए शुक्र मंगल और शनिदेव की युति काफी अच्छी और लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि एक तो यह युति आपकी राशि के धन और वाणी के स्थान पर बनने जा रही है, ऐसे में आपकी बुद्धि का विकास होगा। समय समय पर आपको अगले 3 सालों के दौरान अचानक से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, साथ ही धन की बचत करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी।
जाएगी। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और इसी साल 2024 में आपको प्रमोशन का तो लाभ होगा ही, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष में लोहे के बर्तन से जल अर्पण करें और साथ ही सरसों के तेल का दीपक करके पीपल माता की 7 बार परिक्रमा करें। इससे शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे और 7:30 में आपको शुभ परिणाम राहत प्रदान होगी। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं त्रिग्रही संयोग 3 ग्रहों के मिलन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गय छह के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों पर भी त्रिग्रही संयोग बनना बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपको धन का लाभ तो होगा ही, सफलता के योग भी बनेंगे। करियर और कारोबार दोनों से संबंधित अच्छी और बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। एक तो भगवान शनिदेव और शुक्रदेव दोनों ही आपस में परम मित्रता का भाव रखते हैं, ऐसे में इस त्रिग्रही संयोग के मिलन से मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। आप इस साल अगले 90 दिनों में कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं और घर में भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान बनेगा और साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़े स्तर पर काम कर रहे हो, व्यापार में आपको धन का लाभ होगा। इस साल आपका किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क बन सकता है जिससे आगे जाकर वो आपका बिजनेस में पार्टनर भी बन सकता है और उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ सुख संबंधों में बढ़ोतरी होगी और किस्मत के पूर्ण सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी प्रभुता बढ़ेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय शुभ चल रहा है, नई जॉब का ऑफर मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, सामाजिक स्तर पर पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आपको माता पिता और छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं त्रिग्रही संयोग के बाद अगले यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों को शुक्र मंगल और शनि की युति करियर और कारोबार के लिहाज से बहुत ही अच्छी और शुभ साबित होगी, क्योंकि एक तो यह युति आपकी राशि के कर्म के भाव पर बन रही है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आप जो कोई भी कार्य करते हैं, जो कोई भी कर्म करते हैं, उसमें करियर और कारोबार दोनों ही आपका चमकने लगेगा। करियर से संबंधित आपकी जो भी योजनाएं हैं वो सफल बनेगी। जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो फरवरी और मार्च ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। काम कारोबार के दौरान भी धन की प्राप्ति होगी और आपके ऑर्डर बढ़ेंगे। व्यापार में आपकी बिक्री यानी कि सेल्स में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप कारोबार का विस्तार करेंगे और आपको इस साल काफी अच्छा प्रॉफिट भी हासिल होगा। व्यापार के सिलसिले से आप नई नई यात्राओं पर जा सकते हैं और वो यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक रहेगी, शुभ फलित बनेगी। लंबे समय से रुके हुए कामकाज फिर से बनने लगेंगे। करियर में प्रमोशन के लिए कोई जरूरी टास्क आपको मिल सकता है जिसको आप बखूबी पूरी तरीके से निभाएंगे। समृद्धि का आगमन होगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग भी बन रहे हैं और संतान के पक्ष से भी आपको शुभ समाचार हासिल होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ त्रिग्रही संयोग से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री